लो जी बाबू भैया बिग बॉस से बाहर आ गए। जब से बाबू भैया बिग बॉस से आया है, सॉरी, जब से बिग बॉस से लात मार के बाहर किया है, तब से बंदा पागल ही हो गया है। हर दूसरा वीडियो बिग बॉस के ऊपर बना रहा है। भाई जब ये बंदा बिग बॉस में जा रहा था तो कह रहा था मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत बड़ा सपना कम्प्लीट हुआ था क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से। फिर बिग बॉस में चला गया तो कहता मेरी ऑडियंस के लिए मुझे शो पे लाए, मेरे नाम पे व्यूज ले रहे हैं। भाई जब तुझे लात मार के बाहर निकाल दिया तो क्या शो चलना बंद हो गया है? अबे मोटी बुद्धि, तो बिग बॉस 17 में गया है, इसका मतलब इससे पहले के 16 सीजन से बिग बॉस चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। इवन जिस सीजन में तू गया है उसकी रेटिंग और सीजन से कम है। बात तो सही है। बिग बॉस को तुझसे उम्मीद थी कि यूके राइडर को ले जा रहे, क्या पता है कुछ करेगा, लेकिन तूने क्या किया, उनकी उम्मीदों में हक दिया। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बाबू भैया के बारे में। हर कोई बिग बॉस में जाता है अपनी पॉपुलैरिटी और रीच को बढ़ाने के लिए। ये इकलौता बंदा है जो अपनी रीच कम करवा के आया है। भाई की रीच कम हो गई तो बाहर आकर ही बिग बॉस खेल रहा है, हर दूसरा वीडियो बिग बॉस के ऊपर डाल दे रहा है। बहुत सारी चीजों से गुजरा हूँ बिग बॉस के अंदर, वॉक ऑफ शेम, बेइज्जती, जिल्लत। मेरी साइड ऑफ द स्टोरी अभी आनी बाकी है। बहुत कुछ एक्सपोज करना है बिग बॉस के बारे में, सलमान भाई के बारे में। बिग बॉस को एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ले देकर इस बंदे ने एक डिस्ट्रैक निकाला है बिग बॉस के ऊपर, ऐसा इसका कहना है। ये जो डिस्ट्रैक है तो बिग बॉस और सलमान भाई को डिस्ट्रैक कर रहे गाइस नेक्स्ट लेवल। तो डिस्ट्रैक पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भाई ने बिग बॉस को क्या डिस किया है। जली जली बरनौल लेके आया हर गली गली शोर, मेरा घुसता है भैया बातें बड़ी बड़ी फेंकते लपेट भी नहीं पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, जैसे तू फेंक रहा था बिग बॉस में जाके, अभी मेरे पत्ते खुलेंगे और जब पत्ते खुलेंगे तो बेटा तू तो गया। इससे पहले कि तेरी ब्रोस है ना उन बड़े बड़े को लपेटती, बिग बॉस ने तेरे पिछवाड़े पे लात मार दी। वही खड़े खड़े देख कैसे टॉप पे मैं आया। तो कौन से टॉप पे रहने की बात कर रहा है, मजाक उड़वाने में या बेइज्जती करवाने में? और हाँ, वो भी तो था, दोस्तों को धोखा देने में। ऐसा नहीं कि बंदा बिग बॉस में जाके लोगों को धोखा दे रहा था, ये बंदा बाहर भी ऐसी था। भाई इस बंदे को तो जानता होगा तू, भाई ने इसका भी बहुत गंदा काटा था। पहले इसकी तारीफ किया, लास्ट में इसको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज भी कैसे, उसको बेवकूफ बना दिया भाई, उल्टा उसके पैसे खा गया और उसी को बदनाम कर दिया कि चोर है। ठीक नहीं मांग रहा हूँ आपसे, अपनी कमाई के पैसे मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। वही खड़े खड़े देख कैसे टॉप पे मैं आया। पर भाई टॉप पे रहने की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि बिग बॉस में तुझे जितना भी देगा तू हमेशा बॉटम पे रहा। कभी गलती से भी तू ऊपर नहीं आ पाया, कभी तूने कुछ बोला होगा तो बिग बॉस ने तेरे चूतड़ पे लात मार के चल भोसड़ी के जहाँ बैठा वहीं रहे। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। लाइन बीच तेरे सामने खड़ा तो तेरी टोन है गॉन। हाँ, जैसे बिग बॉस में तेरी हो गई थी टोन डाउन। डाउन क्या, बोलती बंद ही हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तू भाई। यार यूट्यूब कंटेंट के लिए तो कैमरा उठा के पुलिस वालों से भिड़ जाता था, वहाँ पे तो बड़े चौड़ में रहता था। बिग बॉस में क्या हो गया, ये तो आम लोग थे, इनके सामने तेरी क्यों फट गई? बस हवा निकल गई। तेरी ब्रो सैना को लगा था हमारे पाव भर के बाबू भैया बड़े चौड़े हैं, बिग बॉस में जाएंगे वहाँ भी चौड़े में रहेंगे। लेकिन क्या बाबू भैया, चौड़े होने के चक्कर में लौड़े लगाए। बेचारी ब्रो सैना, उनको थोड़ी पता था कि बाबू भैया के व्लॉग्स में बाबू भैया की तरह नकली हैं, फुल स्क्रिप्टेड, इसलिए तो खुद को वहाँ सिग्मा मेल दिखाते हैं। लेकिन बिग बॉस जहाँ 100-100 कैमरे लगे हैं, वहाँ बाबू भैया की बोलती बंद हो गई, सिग्मा मेल बनते बनते बाबू भैया का गामा फट गया। और फिर बाहर आकर बाबू भैया ने सोचा जल्दी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट निकाल देता हूँ, ब्रो सैना के सामने फूल भी तो लगना है। और बिल्कुल बिग बॉस की तरह डिस्ट्रैक्ट में भी कोई योगदान नहीं, लिखा किसी ने, गाया किसी ने, और बाबू भैया ने क्या किया, ये भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? वो नाम से जलता चूल्हा तेरा, टाइटल में एक्सपोज लगा दो। क्या बोला, टाइटल में एक्सपोज लगा दो? भाई ये थंबनेल याद आ रहे हैं किसके? भाई जब से तू बिग बॉस से बाहर आया है तेरे हर वीडियो में एक्सपोज बिग बॉस, एक्सपोज एक्सपोज यही चल रहा है। तेरा पूरा चैनल तो ऐसे टाइटल से भरा है, बस्टेड, पुलिस ने पकड़ लिया, एक्सीडेंट हो गया, नई गाड़ी ले ली, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। भाई तू पूरा चैनल तो तेरा थंबनेल क्लिकबेट से भरा हुआ है और तू दूसरों को बोल रहा है क्या बाबू भैया? खुद का दोगलापन तो तुम्हारा खत्म होके नहीं दे रहा है और हजार बकचोदियां करवा लो तुमसे। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है। गॉन या रेवोल्यूशन लेके आया क्रांति। ओ बहन जो, तू क्रांति भी लाता है? वैसे क्या क्रांति ला रहा है तू, और ऐसे कौन से व्लॉग बना रहा है जिनसे क्रांति आ रही है? मैं 200 की स्पीड में हवा से बातें करूंगा, मुझे ना पुकारो। बेंचो जिसको तू क्रांति लाना कह रहा है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। तू बच्चों को क्या सिखा रहा है, 200 की स्पीड में बाइक भगाओ, पुलिस वालों से भिड़ जाओ? तू तो अपने कैमरा और सोशल मीडिया की वजह से बच जा रहा है। तेरी ब्रोस है ना, किसी दिन पुलिस के हाथ लग गई ना तो भाई उनके लॉ लग जाएंगे, समझ रहे है? शर्म करो, भगवान से डरो। और तेरी ब्रोस है ना ऑन कैमरा ये है, देख मैं जानता हूं, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास ब
बदलेगा। ऑफ कैमरा देखेगा, ये देख। बच्चा का सवाल पूछता है, 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पढ़ा, मैं तो पढ़ा रहा यार। 19 का टेबल, 19 का टेबल फंस गया। और ज्यादा दूर मत जा, ये जो एक्सपोज कर रहा है ना, ये तू ही है जिसे खुद तो कुछ आता नहीं है लेकिन दूसरों को एक्सपोज करेगा। भाई के मुंह से मैथमेटिशियन नहीं निकला, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा गणितज्ञ हुए थे। और ट्रिगोनोमेट्री कोई नया सब्जेक्ट निकाला भाई ने। आते हैं 10वें के बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री से परिमेय हो। तो भाई तेरे भी यही हाल है, जो बातें तो चौधरा बड़ी बड़ी और खुद को घंटे की नहीं पड़ी। और ये जो डिस्ट्रैक्ट के एंड में तो ब्रो सेना के आगे झुक रहा है ना, ये भी भाई हिपोक्रेसी है, दोगलापन। क्योंकि बिग बॉस में तूने कह दिया था ना कि भाई ब्रो सेना कुछ नहीं है मेरे बिना, तो तेरे को बाहर आके पता चला होगा कि भाई ब्रो सेना चिढ़ गई है, तो भाई तू उसी को कवर अप कर रहा है और कुछ नहीं। दादा व्हाई, व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस। तेरे इस डिस्ट्रैक्ट में तू बोल रहा है कि बिग बॉस ने तुझे तेरी ऑडियंस के लिए लाया था और ऑडियंस मिलती तुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, तो भाई तू खुद बता तूने अपनी ऑडियंस के लिए क्या किया, या बिग बॉस को तूने क्या कंटेंट दिया जो बिग बॉस तुझे बैठा के रखता वहाँ पे, तुझे फ्री की फुटेज देता और पैसे भी बांटता रहता। तो भाई जब तू उनके लिए काम ही नहीं करेगा तो तुझे रखेंगे क्यों, लात ही मारेंगे। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। और इतना तो पक्का है कि बिग बॉस को तुझसे कुछ मिला नहीं है, उल्टा तेरे ऊपर पैसा खर्चा ही हुआ उनका। तूने 8 वीडियो बना दिए, उसके बाद 8 बार बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। भाई एक वीडियो में नहीं हो पा रहा था क्या एक्सपोज, हर दूसरा वीडियो बिग बॉस 17 ये, बिग बॉस 17 ये, बिग बॉस 17 ये, एक्सपोज सलमान खान, एक्सपोज। अबे भाई क्या कर रहा है तू, रुक जा। ये भगवान क्या जुलुम है। तूने अपने डिस्ट्रैक्ट का टाइटल रखा है पे बैक डिस्ट्रैक्ट ऑफ बिग बॉस। भाई कहां बिग बॉस को डिस किया तूने, पूरे डिस्ट्रैक्ट में एक सिंगल लाइन है बिग बॉस के ऊपर। बिग बॉस को भी हटा दो तो पूरे डिस्ट्रैक्ट में तूने एक या दो लाइन डिस किए, वो भी किसको वो पता नहीं चल रहा। बाकी पूरे गाने में तू अपनी तारीफ कर रहा है, तो भाई इसे डिस्ट्रैक्ट क्यों कह रहा है, तू खुद को डिस कर रहा है क्या। सार्केजम तक जो तू अपनी तारीफ कर रहा हो, तेरा डिस हो, तू खुद को ही रोस्ट कर रहा है सार्केस्टिकली। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या, तो जनता को आप मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। ये बिग बॉस के नाम पे व्यूज जो तू अभी भी खा रहा है, बोल रहा है कि बिग बॉस तेरी ऑडियंस ले रहा था, तू क्या कर रहा है मेरे भाई, एक्सेप्ट करना तू व्यूज ले रहा है बिग बॉस के नाम पे। उल्टा बिग बॉस को उंगली कर रहा है कि बिग बॉस ने ये, बिग बॉस ने, भाई तू सीधा हिपोक्रेसी की भी एक सीमा आती है बाबू भैया। तो बाबू भैया तो नहीं सुधरने वाले, लेकिन अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।